स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर साँचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के थर्ड पेपर के एक टॉपिक के बारे में, और वो हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार। इस टॉपिक के दो वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आज इसी टॉपिक का ये तीसरा वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो टू टाइप की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो हमने ऐसा डिस्कस किया था कि किस प्रकार एक प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल से अलग होती है। तो हमने टोटल फोर डिफरेंसेस डिस्कस किए थे, और उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इन दोनों टाइप की जो ये सेल्स हैं इनके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन दोनों टाइप की सेल्स के केंद्रकीय संगठन के बारे में। फिर हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो किस प्रकार एक यूकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल से अलग होता है, वो डिस्कस किया था। फिर नंबर तीन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के बारे में, उन कोशिका अंगों की बात की थी जो झिल्ली से आवरणित है, और ऐसा हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसे झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। चौथा डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है और जो यूकैरियोटिक सेल है, इन दोनों टाइप की जो सेल्स हैं उनमें जो राइबोसोम है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के जो पार्टिकल्स, वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम कैसे हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम इन्हीं डिफरेंसेस को आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं बात करूंगा सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में। अगर हमें प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, और उस प्रोकैरियोटिक सेल में हम सेल डिवीजन को देखते हैं, कोशिका विभाजन को देखते हैं, तो यहां पर जिस प्रकार के कोशिका विभाजन हमें दिखाई देते हैं, इन्हें ए माइटोसिस हिंदी में असूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। इस ए माइटोसिस को सामान्यतः डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन ये कहा जाता है। तो जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के सेल डिवीजन की स्टडी करते हैं,
ए माइटोसिस की स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो जो क्रोमेटिन डीएनए है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि हिस्टोन तो है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होती। जबकि हम यूकैरियोट में देखते हैं कि क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है विभाजन के समय, तो ऐसा कोई कंडेंसेशन इस ए माइटोसिस के समय दिखाई नहीं देता। दूसरी बात कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के पृथक्करण के लिए एक तर्कु उपकरण स्पिंडल एपरेटस बनता है, लेकिन ए माइटोसिस में जो प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन है, जो प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता है, उस विभाजन में हम ऐसा देखते हैं कि कोई तर्कु उपकरण स्पिंडल एपरेटस दिखाई नहीं देता। तो ऐसे कोई परिवर्तन हुए ही नहीं, ना तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन हुआ, ना स्पिंडल एपरेटस बना, और इसीलिए इस डिवीजन को डायरेक्ट सेल डिवीजन ए माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। तो हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल की और उसमें हमने डिस्कस किया सेल डिवीजन को कोशिका विभाजन, और हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिवीजन होते हैं वो ए माइटोसिस हिंदी में असूत्री विभाजन है, इन्हें डायरेक्ट सेल डिवीजन प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन के नाम से जाना जाता है। और दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई, पहली कि जब भी ए माइटोसिस होगा या डायरेक्ट सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन यानी किसी भी प्रकार की कंडेंसेशन की प्रोसेस नहीं। नंबर दो, स्पिंडल एपेरेटस तर्कु उपकरण का निर्माण भी नहीं होगा, और सीधा ही कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाए। तो जब हम बैक्टीरिया में वगैरह देखते हैं तो उनमें प्रजनन के समय एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं बाइनरी फीजन, और ये जो बाइनरी फीजन हो रहा है जीवाणुओं में, ये वास्तव में ए माइटोसिस या डायरेक्ट सेल डिवीजन का एक एग्जाम्पल है। अब मैं बात करूंगा कि जो यूकैरियोटिक सेल है उस यूकैरियोटिक सेल में जो कोशिका विभाजन होते हैं वो कौन से है? तो एक यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली पहले प्रकार का जो विभाजन है उसका नाम है माइटोसिस, और जो दूसरे प्रकार का विभाजन है वो है मियोसिस, हिंदी में माइटोसिस को समसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो एक यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस ये दो प्रकार के डिवीजन्स होते हैं। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। लेकिन यूकैरियोट कुछ पुरानी सेल है जो अब डेड होने वाली है, जिनकी एजिंग हो गई, उनमें जरूर ए माइटोसिस की क्रिया होती, पर जनरली यूकैरियोट में सेल डिवीजन्स दो प्रकार के हैं,
माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो जब भी माइटोसिस और मियोसिस होता है तो समय कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, एक स्पिंडल एपरेटस तंतु उपकरण बनते हैं, और ये जो स्पिंडल एपरेटस बनता है ये गुणसूत्रों के पृथक्करण की क्रिया में सहायता करता है। तो ये हमने बात की एक प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजंस की और एक यूकैरियोटिक सेल में डिवीजंस। अब मैं बात करूंगा शैलवाह, जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की शैलवाह कैसी है? यूकैरियोटिक सेल में अगर शैलवाह है तो वो कैसी होगी, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा, उस रासायनिक संगठन की मैं बात करता हूं। प्रोकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं, पहला जो मैं प्रोकैरियोट का एग्जांपल ले रहा हूं वो है माइकोप्लाज्मा। सिंपली माइकोप्लाज्मा को पीपीए प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, तो माइकोप्लाज्मा को इस नाम से भी जाना जाता है। अगर हम माइकोप्लाज्मा को देखें जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो हम देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा में शैलवाह एब्सेंट है या अनुपस्थित होती है। नंबर दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं आर की बैक्टीरिया का, हिंदी में ले रहा हूं, आद्य जीवाणुओं के नाम से जानते हैं। मीथेनोजेन्स अगर नाम सुना हुआ होगा आपने, हेलोफिल्स नाम सुना हुआ हो, थर्मो एसिडोफिल्स, ये जो हेलोफिल्स हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हैं, मीथेनोजेन्स हैं, ये सब आर्की बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है, और हम आर्की बैक्टीरिया में देखते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट पाई जाती है, और इनकी ये जो सेल वॉल है वो बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन से। तीसरी मैं बात करूंगा बैक्टीरिया, आप इन्हें यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, इसमें भी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है म्यूको पॉलीसैकेराइड से। ये म्यूको पॉलीसैकेराइड एक विषम पॉलीसैकेराइड है, हेटेरो पॉलीसैकेराइड, इसमें एनएम और एनएजी, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, इनकी कई इकाइयां आपस में जुड़ी रहती हैं, उसी संरचना को म्यूको पॉलीसैकेराइड या म्यूरिन के नाम से जाना जाता है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन। तो हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन के बारे में। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया माइकोप्लाज्मा का, जिन्हें पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। इस माइकोप्लाज्मा में या पीपीएलओ में सेल वॉल एब्सेंट है, नहीं। दूसरा एग्जांपल मैंने मीथेनोजेन, हेलोफिल्स, ऐसे कुछ आर्की बैक्टीरिया का लिया जिन्हें हिंदी में आद्य जीवाणुओं के नाम से जाना जाता है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें सेल वॉल तो है,
लेकिन केमिकली वो सेलवाल ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने जीवाणु का एफपी दिया था, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें भी सेलवाल पाई जाती है लेकिन केमिकल कंपोजिशन थोड़ा अलग। ये सेलवाल म्यूरी या म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, विषम पॉलीसेकेराइड जिसमें एनएएम एन एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल एन एसिटाइल ग्लूकोज एमी इसकी कई इकाइयां आपस में जुड़ी हैं। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक जो सेल है उसके सेल वॉल, तो बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के सेल वॉल की। पहला एग्जांपल लेते हैं हम फंजाइ का, कवक सभी परिचित हो, एक एग्जांपल अपन लोग लेंगे प्लांट का और एक एग्जांपल लेंगे एनिमल सेल, ये तीन एग्जांपल बात यानी फंजाइ प्लांट और एनिमल ये सब की सब यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। अगर फंजाई की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट है और वो काइटिन से बनी हुई है, ये भी एक प्रकार का हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। दूसरी बात करते हैं प्लांट की, पादप कोशिकाओं की, वो भी यूकैरियोटिक सेल है और प्लांट सेल में भी हम देखते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति प्लांट के अंदर बनी हुई है सेल्यूलोज की, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है लेकिन होमोपॉलीसेकेराइड। तीसरी बात करते हैं एनिमल सेल की, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इस सिक्स्थ नंबर डिफरेंस में हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में भी हमने एनिमल सेल की बात की, वहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, कुछ प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसी प्रकार कुछ यूकैरियोट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और यूकैरियोटिक सेल वॉल इनके केमिकल कंपोजिशन, इनके रासायनिक जो संगठन है वो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, वो हमने यहां पर डिस्कस किया। अब मैं बात करूंगा फ्लैजिला, फ्लैजिला एक हेयर लाइक आउटग्रोथ है जो बेसिकली लोकोमोशन मूवमेंट इनमें पार्टिसिपेट करती है। प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजिला प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी फ्लैजिला प्रेजेंट है, हिंदी में से कशाप के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखता हूं तो केमिकल कंपोजिशन में जिस प्रोटीन से ये फ्लैजिला बना हुआ है उसका नाम है फ्लैजेलिन, यानी प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला केमिकली जिस प्रोटीन से बना हुआ है उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन। और दूसरी बात मैं क्या देखता हूं कि ये फ्लैजिला जब भी ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, तो अपने टिप से अपने अंतिम सिरे से वृद्धि करेगा। जब मैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करूं तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला माइक्रोटिब्यूलर स्ट्रक्चर है, अल्फा और बीटा टिब्यूलिन इस प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये फ्लैजिला जब भी वृद्धि करेगा तो बॉटम से वहां पर एक बेसल बॉडी आधारीय काय नामक संरचना होती है, उस आधारीय काय या बेसल बॉडी से फ्लैजिला की ग्रोथ यूकैरियोटिक सेल में होती है। तो हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही फ्लैजिला पाए जाते हैं,
ये फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ है, गमन में स्विमिंग में सहायता करते हैं, लेकिन इन दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में जो ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इनका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन एक दूसरे से काफी अलग होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो आज हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच ये थ्री डिफरेंसेस डिस्कस किए, कल फिर कुछ डिफरेंसेस के साथ टाइप ऑफ सेल के फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा सेल डिवीजन में क्या डिफरेंसेस है वो हमने डिस्कस किया, सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन में क्या डिफरेंसेस है वो डिस्कस किया, और दोनों टाइप की सेल के फ्लैजिला में क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने डिस्कस किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।